शहर में बहुत ही आराम है, हमको तो बहुत ही पहले आ जाना था। खेती में अब बात रहा नहीं, अब जब ठाकुर साहब के फसले नहीं होगा तो हम लोगों के गांव में मजदूरी का देंगे वो लोग। किसन लग रहे हैं, निमन ना? केस झाड़ लो। हाँ। यहाँ लड़का लेके आता है सब खाना खाने के लिए, तुमको उनको खाना देना होगा। हमारा हाथ का दिया खा लेंगे। अरे काहे नहीं, यहाँ जात पात कोनो नहीं देखता है। एगो सुअर, दू बकरी और लड़का के चांदी का चेन, ये सब का जुगाड़ हो चुका है। ब्याह में 40 लोग आएगा हमरा, ठाकुर साहब के यहाँ काम करते हैं, गांव में इज्जत है हमरा। चाचा आज भी दारू पी के गिर गया है। कहाँ विश्वभान की राजकुमारी, कहाँ एको करिया कलूट तुमको पढ़ाई करना है, ब्याह नहीं करना। अरे ब्याह के बाद तुम्हारा पढ़ाई रुकने नहीं देंगे। हम खुला में रहते हैं, खुला में खाते हैं, फिर हम तो मुसर हैं, हम कैसे पखाना बनाएंगे? आज तक इस गांव में मुखिया मुसर नहीं बना है। पहली बार मुसर टोली में जलवा दिखाने आ रही है रश्मि बाई। अब मुसर सभी बाई जी का नाचना चाहेगा, यही दिन देखने के लिए बचे। बाबू से मुंह लड़ाएगी, कोर्ट से बहुत ऊपर चल जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हमारे नालंदा जिले की मुसर लड़की बुधनी का नाम दिया है। आजादी मिली तो महात्मा गांधी ने खुले में शौच का सवाल उठाया और 70 बरस बाद वही सवाल फिर उठा है बुधनी के जरिए। वो कहते हैं कपड़ा उतरने से इज्जत जाता है, हम लोग तो रोज यहाँ रेल लाइन पर बेइज्जत होते हैं। शौचालय का जिक्र प्रधानमंत्री भी करते हैं और गांव से आई लड़की दिल्ली में आकर भी करते हैं। हर अच्छे काम के पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम। जब से ब्याह किए हैं हमारा जिंदगी पखाने में ही फंस गया। अरे सर भैया, ये खाना तो बन गया लेकिन जो खुला में पिछवाड़े में हवा लगता है ना, वो बात नहीं। दुनिया बदल रहा है, अब हमको भी ना बदलना होगा।